अगर आप भी गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करते हैं तो एक खबर आपके लिए है। एक रिपोर्ट के अनुसार गूगल ट्रांसलेट के फर्जी ऐप को डाउनलोड करने के कारण 1,00,000 से ज्यादा लोग मैलवेयर का शिकार हो गए हैं। दरअसल सिक्योरिटी रिसर्च फर्म चेक पॉइंट रिसर्च ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि गूगल ट्रांसलेट के फेक ऐप को डाउनलोड करने के कारण लोगों के कंप्यूटर में क्रिप्टो माइनिंग मैलवेयर पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस मैलवेयर का नाम नाइट्रोकॉड है, जो कि गूगल ट्रांसलेट के एक फेक ऐप को इंस्टॉल करने के कारण लोगों के सिस्टम में पहुंचा है। जैसे ही ये मैलवेयर किसी के लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, इसके बाद यह क्रिप्टो माइनिंग शुरू कर देता है। यह मैलवेयर खुद ही कंप्यूटर में माइनिंग के लिए पूरा सेटअप भी तैयार कर सकता है और मोनेरो नाम की क्रिप्टो करेंसी को माइन करता है। इससे पहले कंप्यूटर की परफॉर्मेंस घटती है और बाद में सिस्टम ही करप्ट हो जाता है। बता दें, इस मैलवेयर को इस तरह से बनाया गया है कि एक्सेस लेने के बाद एक्सेस को हाइड भी कर देता है। इंटरनेट पर इस मैलवेयर का नाम गूगल ट्रांसलेट डेस्कटॉप डाउनलोड है और यह गूगल सर्च में पहले ही नंबर पर आता है। इस मैलवेयर ने अब तक 11 देशों के सिस्टम को प्रभावित कर दिया है।